सीएम योगी प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे कर रहे हो, लेकिन उनके दावों का जमीन पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। मामला मऊ के इतैली गांव का है, जहां शौच के लिए गई 16 साल की बच्ची का शव खेत में पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक शौच के लिए घर से बाहर गई थी और जब काफी देर बाद भी किशोरी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद बच्ची का शव घर से 300 मीटर की दूरी पर एक खेत में पड़ा मिला। वहीं परिजनों का आरोप है कि बदमाशों ने रेप के बाद किशोरी की निर्मम हत्या की है। सोच के लिए गई थी उधर खेत के तरफ, उधर में कुछ लोग उसके साथ जबरदस्ती करके कुछ उल्टा सीधा उसके साथ किए और उन लोगों को जब पहचान ली वो सबूत मिटाने के लिए उन लोगों ने उसका गलत वाका मार दिया। वही सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। टेली गांव में करीब 5 बजे एक लड़की शौच के लिए निकली थी और उसके बाद अरहर के खेत में उसकी डेड बॉडी मिली है। मुकदमा हत्या का दर्ज कर लिया गया है, बनाम अज्ञात है अभी और पता किया जा रहा है। परिवार का कहना है कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है और रेप करके उसकी हत्या कर दी गई है। डेड बॉडी भेजी गई है, अभी कोई रेप वाली बात तो सामने नहीं आई है और पीएम में जैसा आएगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, लेकिन गांव में बच्ची की हत्या के बाद दहशत का माहौल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।